Hello everyone, this is Deepika. Welcome to R.G.A.D commerce classes. As we have earlier discussed the meaning of quasi contract, and now in this video we are going to discuss the difference between quasi contract and contract. Okay, quasi contract हम पहले ही discuss कर चुके थे, वो original contract नहीं होते. मैं एक बार फिर से rewind करवा देती हूँ. वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब ए और बी इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, ए और बी मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है. कोई भी दो पर्सन इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बट अनइंटेंशनली उनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जहाँ पे इंटेंशन से होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा. ठीक है, और नंबर वन डिफरेंस है ऑब्लिगेशन. देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन, इसमें लॉ के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड होता है. ठीक है, लॉ ऐसा, मतलब हमारा जो कानून है, हमारा लॉ है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि वो इम्पोज्ड कर देता है ऑब्लिगेशन, मतलब आपको करना पड़ेगा. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है, ऑब्लिगेशन इसमें म्यूचुअली मतलब ऑब्लिगेशन पहले से ही होता है. ठीक है, पहले से ही कैसे होता है, ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हैं तो दोनों का ऑब्लिगेशन होगा, कंसिड्रेशन होगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होंगे, वरना कॉन्ट्रैक्ट में क्यों इंटर होंगे. तो मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही ऑब्लिगेशन होता है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ द्वारा इम्पोज्ड हो जाता है. ठीक है, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यही है कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताई थी. ठीक है, आप वो वाली वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होता है डजेंट पजेसेस ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में या फिर हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स जो भी नेसेसरी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हों, या फिर उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट के गुण नहीं होते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में तो सारे एसेंशियल्स होते ही हैं, मतलब ए और बी अगर इंटर कर रहे हैं तो उनका रिटन एग्रीमेंट होगा या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो फुलफ़िल करेंगे, तभी वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होंगे, अदरवाइज नहीं इंटर होंगे, कोई एक पार्टी मना कर देगी. ठीक है, बेसिस क्या है, इट इज़ फाउंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेसिस पे फाउंड होता है. ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत, मतलब एक हमारा जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर ए और बी को इंटर करना है या किसी भी पार्टी को इंटर करना है तो वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर पाएगी, अलग से अपने नियम कानून नहीं बनाएगी. ठीक है, फॉर्मेशन क्या है, द लॉ इम्पोजेज अपॉन द पार्टी. इसमें लॉ क्या करता है, पार्टी के ऊपर इम्पोज कर देता है, मतलब थोप देता है. ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में. फिर कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं, वो इंटेंशनली होते हैं, फॉर्म बाय द पार्टी, मतलब इंटेंशनली ही पार्टी इंटर होती है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में. अब अगर हम शॉर्ट में इन सब पॉइंट्स को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ कि म्यूचुअली या इंटेंशनली होते हैं या म्यूचुअल कंसिड्रेशन से होते हैं, आपसी सहमति से होते हैं, तो वो इंटेंशनली होते हैं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं कि अन इंटेंशनली होते हैं. ठीक है, इतना चीज़ मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गई होगी आपको. ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.